हेलो दोस्तों, सुबह का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा 9 बज चुके हैं, तो मैं आज आ रखा हूँ हरिद्वार। दोस्तों मैं हरिद्वार इसलिए आ रखा हूँ क्योंकि मैं कल रुद्रप्रयाग गया था, और दिल्ली से रुद्रप्रयाग गया था और रुद्रप्रयाग से दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन कल हो नहीं पाया क्योंकि मैं थक चुका था बहुत, और इसीलिए मैं हरिद्वार रुका क्योंकि एक दिन के लिए बहुत थकान लग गई थी मुझे सफ़र में। तो मैं सोचा हर की पौड़ी के दर्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज मैं हर की पौड़ी के दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। मैंने आपको रात का व्यू भी दिखाया है, लेकिन आज मैं दिन का व्यू दिखाऊंगा हर की पौड़ी क्या है। और हर की पौड़ी का मीनिंग होता है दोस्तों श्री विष्णु के चरण। जब समुंदर मंथन हुआ था उस टाइम भगवान ने दानव और देवता लोगों से अमृत बचाने के लिए जब ले जा रहे थे, तो कुछ बूंदें हर की पौड़ी में गिर गई थी, इसीलिए यहाँ ये पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। तो चलो आज हर की पौड़ी ले चलता हूँ। दोस्तों अभी सुबह सुबह मैंने ये रूम ले रखा था, ज़्यादा महंगा नहीं है, 400-500 रुपये का रूम है ये। और अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ते में एकदम लाजवाब मिल रहे हैं छोला भटूरे। ये देखो क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं गाँव में, लाभ लाभ के पत्ते में भटूरे मिल रहे हैं और छोले एकदम लाजवाब बना रखे हैं, यमी। खाने में तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बाहर का व्यू दिखाऊंगा हर की पौड़ी का, एकदम लाजवाब व्यू है हर की पौड़ी का। रात का व्यू कल मैंने रात ब्लॉग बनाया था हर की पौड़ी पे, रात का व्यू एकदम अमेजिंग वीडियो बना रखा मैंने, आप मेरे ब्लॉग में चेक कर सकते हो। यमी दोस्तों, आप भी आ सकते हो यहाँ घूमने, ये हरिद्वार में पड़ता है। तो चार धाम यात्रा हमेशा हरिद्वार से शुरू होती है, हर की पौड़ी से। जो भी चार धाम यात्रा करता है पहले हर की पौड़ी आता है, उसके बाद चार धाम केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री इस साइड यात्रा करता है। और दोस्तों जब हरिद्वार में सारी नदियाँ पहाड़ से होकर उसके बाद मैदानी क्षेत्र में तब्दील होती है, तो आज मैं ले चलता हूँ तुम्हें, हाँ हर की पौड़ी। यहाँ बहुत सारे लोग, भीड़ ज़्यादा है, यहाँ अप्रैल का महीना है इस टाइम में ज़्यादा भीड़ है। तो चलो आज मैं वहीं ले चलता हूँ आपको। चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कपिल सिंह बिष्ट है और मैं आ रखा हूँ हरिद्वार, और आप लोगों को हर की पौड़ी घुमाऊँगा। और थोड़ा ये रूम सही कर लेता हूँ और अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ, है ना। तो दोस्तों मेरी पैकिंग हो चुकी है और मैं चलता हूँ हर की पौड़ी। तो चलो मैं आ चुका हूँ बाहर मार्केट में, आप मार्केट का व्यू देखोगे तो बोलोगे इतनी ज़्यादा भीड़। तो चलो जे बोले ना, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, अभी क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सबसे पहले ये लोग यहाँ पे है हरी मूर्ति, हरी की मूर्ति है ये वाली, ये देख सकते हो आप, ये मार्केट में है। और मुझे जाना है हर की पौड़ी। दोस्तों गंगा के नज़दीक पहुंच चुका हूं मैं हर की पौड़ी, और दिखाता हूं लोगों को गंगा नदी, लाजवाब व्यू।
और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से व्यू दिखाऊंगा जहर वाला, आप भी देखकर खुश हो जाओगे। ये देखो, ये है गंगा नदी, और गंगा नदी इतनी तेज़ बहाव है इसका, इसमें आप बीच में नहीं जा सकते क्योंकि डूब जाओगे। इसका बहाव बहुत तेज है, और ये है पुल नदी पार करने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अभी स्नान कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है, मैंने सुना था हिंदू पुराण के अनुसार। और ये देखो, ये है पुल यहाँ का। अब बहुत सारे लोग बेच रहे हैं मूर्ति मूर्ति, ये रो, ये है हर की पौड़ी, और वहाँ है मंदिर उधर, वहाँ भोलेनाथ में, मैं वहाँ भी जाऊँगा, आप लोगों को वहाँ भी दिखाऊँगा। भोलेनाथ का मूर्ति बहुत बड़ी, भोलेनाथ की मूर्ति है। इस पुल पे बहुत सारे लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं, हर की पौड़ी एक रोज़गार साधन भी है। यहाँ पे देखो लोग स्नान कर रहे हैं, और मैं भी स्नान करूँगा जब बैग लेके आऊँगा, फिर जाऊँगा ऊपर पहाड़ी पे, वहाँ भी एक मंदिर है। यहाँ से व्यू देखिए कितना लाजवाब लगता है, वाओ। यहाँ पे लोगों का रोज़गार का साधन भी सही है ये वाला, क्योंकि ये लोग ने इस पुल में रोज़गार के लिए कुछ अपनी कमाई के लिए कुछ ना कुछ जरिया व्यवसाय किया है। ये देखो कुछ ना कुछ सही है यार, हर की पौड़ी लोगों के लिए रोज़गार ही मिल जाता है और सब कुछ मिल जाता है यहाँ। मैंने रात को यहाँ पे स्नान किया, रात को ब्लॉग बनाया मैंने, रात को तो बहुत अमेजिंग लगता है यहाँ। अगर आप भी आना चाहते हो तो हरिद्वार में आ सकते हो, हर की पौड़ी अप्रैल के महीने में। ऊपर देख लूँगा पहाड़ी ऊपर, वहाँ भी एक मंदिर है तो वहाँ भी जाऊँगा मैं। ट्रॉली भी है वहाँ, ट्रॉली में भी जाते हैं लोग। ऊपर देखो, ऊपर एकदम ऊपर, मैं जूम करके दिखाता हूँ हम लोगों को। ये देखो ऊपर पहाड़ी पे है एक मंदिर, तो वहाँ मैं अपना बैग लेकर जाऊँगा, स्नान करके फिर से दिल्ली वापस के लिए वापस लौटूँगा। और यहाँ से देखिए व्यू, नदी के क्लोज जाके देखा था हम लोगों को, नदी कितनी साफ आ रही है। तो देखो ये यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, एकदम लाजवाब व्यू ये देख पा रहे, वाओ। क्योंकि जो कहा जाता है ना, जो लोग इस गंगा नदी में स्नान करते हैं उनको मोक्ष ही प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि मैंने भी रात में इसमें दर्शन किया, लेकिन इसका बहाव बहुत तेज है यार। देखो जंजीर पकड़ के नहाना पड़ता है इसमें, मैं भी नहाया था लेकिन मैंने जंजीर पकड़ के नहाया था। और यहाँ लोग अभी नहा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मैं पहले ऊपर पहाड़ी पे चढ़ूँगा उसके बाद नहाऊँगा, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ने, वो देखो ऊपर पहाड़ी, वहाँ से वहाँ पे चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और फिर मैं स्नान करके फिर वापस दिल्ली के लिए लौटूँगा। तो फिलहाल तो यहाँ का मज़े लेते रहे आप लोग। ये देखो गंगा नदी का बहाव एकदम इतना भयंकर तेज है ना, आप इससे वो पार नहीं जा सकते, जो ये बैरियर लगा रखे ना, इस बैरियर के पार नहीं जा सकते, क्योंकि बह जाओगे आप, बहुत ही लाजवाब है यहाँ का। यहाँ पे देख पा रहे ये भोलेनाथ की मूर्ति बना रखी है यहाँ पे मस्त वाली, और यहाँ पे बाबा बैठे हैं एक लाजवाब वाले बाबा। ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ। यहाँ लगो यहाँ यहाँ, हाउ हाउ सीधा तो अंदो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंदन रुक जाते जरूर, चंदन है मिट्टी नहीं है, पौधी सफेद जा, अच्छा चंदन है भोलेनाथ का, जय हो भोलेनाथ। चलो बाबा जी, बाबा जी मेरे पे टीका लगा दिया, और ये रहा शिव घाट यहाँ पे रात का भी दिखा रहा है, रात में बहुत चमकता है। और यहाँ भीड़ देखो बहुत ज़्यादा, मेरे पे टीका लगा दे भगवान ने, देखो टीका पंडित जी ने टीका लगा दिया, मस्त लग रहा हूँ मैं ये। वो देखो दोस्तों बाहु कितना तेज है यहाँ पे, एकदम चेहर वाला व्यू। अरे देखो एक लड़का कितने नीचे जा रहा है यार, इसको डर भी नहीं लग रहा। जय भोलेनाथ। दोस्तों यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा यार, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का, आप मैं दिखाई रहा हूँ मैं आप लोगों को।
और ये कुंभ मेला भी है इधर, अप्रैल के महीने में लगता है कुंभ मेला। ये देखो नदी का व्यू, गंगा नदी, और यहाँ का देखो नज़ारा कितना शानदार नज़ारा है। बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ, बहुत जगह से आते हैं, बहुत ही लाजवाब लगता है यार यहाँ। और भीड़ देखो क्या, मैं वो भीड़ दिखाता हूँ अगर, बहुत ज़्यादा हरकी पौड़ी हो जाता है भीड़ हो रखी है। जहाँ मीन मंदिर है यहाँ पे सुबह सुबह आरतियाँ होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। चलो यहाँ देखो भीड़, कितने दर्शन करने वाले आ रखे हैं यहाँ। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ यार, और इस भीड़ के अंदर मैं भी जाऊँगा अभी। देखिए नदी का बहाव कितना तेज, यहाँ पे मीन है, यहाँ पे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं इधर। ये जो मंदिर देख पा रहे होंगे, यहाँ आरती होती है शाम को, बहुत ही लाजवाब। रात के व्यू में, रात का ब्लॉग देखा होगा आपने मेरा, यहाँ पूरा भरा रहता है ये वाला, और इसके अंदर एकदम लाजवाब वो होती है। शोर ज़्यादा हो रहा है यहाँ यार, इसलिए थोड़ा ब्लॉग वॉइस मतलब साफ के लिए न्याय पाएगी मेरी। दोस्तों यहाँ पे एक क्लॉक टावर भी है हर की पौड़ी में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्लॉक टावर, बहुत ही बड़ा क्लॉक टावर है ये देखो। ये देखो ये है हर की पौड़ी का राजा बिल्ला टावर है, ये घंटाघर भी बोलते हैं इसको हर की पौड़ी में, हरिद्वार में। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, ये त्रिशूल जैसा बना रखा है, जैसे भाई भोलेनाथ का त्रिशूल होता है ना, लेकिन ये लाइट है इस पर। ये देख पा रहा हूँ वहाँ पे भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहाँ पे जाऊँगा अभी मैं, आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाऊँगा। और यहाँ का व्यू देखिए, आप लोगों को हर की पौड़ी अभी आधा ही दिखाया, और एक बूढ़ी सी शिव मूर्ति है, मैं वहीं जा रहा हूँ और शिव मूर्ति दिखाऊंगा आप लोगों को कितनी बड़ी है हरिद्वार में, तो हर की पौड़ी में। तो चलो अब मैं आप लोगों को शिव की मूर्ति दिखाता हूँ, बहुत बड़ी। तो चलो अभी बहुत दूर है शिव की मूर्ति, अभी मैं पास जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। मुझे ऊपर भी चढ़ना है यार वो ऊपर, फिर वापस आके नहाऊंगा, फिर चलूँगा दिल्ली की साइड। बस फिलहाल तो आप शिव की मूर्ति देखिए कितनी बड़ी है यहाँ पे, एक काली माता ये वाली, और ये रहा भोलेनाथ, ये बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति है ये बना रखी यहाँ पे भोलेनाथ की। ये देखो जय भोलेनाथ, देखो कितनी बड़ी बना रखी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और बहुत बड़ी मूर्ति है ऐसी मूर्ति की, ये हरिद्वार में है। आप भी आ सकते हैं यहाँ घूमने, हाँ घूमने आओगे तो जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना अच्छा है यहाँ का व्यू है। जय भोलेनाथ। आपने देख ली शिव की मूर्ति बहुत बड़ी, और ये शिव की मूर्ति के बगल में नदी है गंगा नदी, यहाँ स्नान कर सकते हो आप। यार में थोड़ा गर्मी होगी, थोड़ा मैं अपना सिर डुबो के आता हूँ, पानी में डुबो के आता हूँ। हो जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। स्नान तो कर तो कम है अभी, मैंने सीरी धोया क्योंकि ऊपर जाऊंगा मैं पहाड़ी पे, थोड़ा उसके बाद स्नान करूंगा, पानी में डुबकी लगाऊंगा दो तीन, फिर पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर डुबकी लगाऊंगा, फिर चलूंगा दिल्ली की साइड। तो मैंने आप लोगों को दिखा लिया हर की पौड़ी, और शिव मंदिर भी दिखा लिया, थोड़ा हर की पौड़ी है थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो चलो दोस्तों आपने देख लिया हर की पौड़ी, ये यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप देख पा रहे हैं कितने लोग स्नान कर रहे हैं, और मैं भी यहीं आया था घूमने, बहुत मज़ा आया यहाँ हरिद्वार घूमने में। और अभी मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ूंगा, पहाड़ी का व्यू भी दिखाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ नहीं दिखाया मैंने आप लोगों को। तो ये देखो ये है हर की पौड़ी, तो चलो वहीं ले चलता हूँ मैं वहाँ 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 यहाँ से देखिए नज़ारा,
ये मेन टेंपल है, यहाँ पे आरतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, शाम को बहुत ज़्यादा आरती होती है यहाँ। और मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों को मेन उस पर जहाँ पे मूर्ति शाम को आरती होती है, यहाँ पे दक्षिणा पात भी कर रहे हैं। और जो समंदर मंथन हुआ था ना, ये देखो ऐसे ही हुआ था, एक तरफ देवता लोग थे और नहीं, एक तरफ देवता लोग एक तरफ दानव लोग थे। समंदर मंथन हुआ था उस टाइम, जिस टाइम यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। यह है गंगा का मंदिर, मेन मंदिर। जय भोले, जय गंगे माँ। अचिन बदी नारायण मंदिर है वाला, जाऊँगा बहुत ऊपर, वहाँ वहाँ ऊपर पहले मैं रूम पे बैग लेने जाऊँगा, अपना बैग लेगा लेकर वहाँ जाऊँगा, फिर स्नान करूँगा, फिर दिल्ली के लिए चलूँगा वापस। तो ये देखिए ऊपर का नज़ारा कितना लाजवाब है। तो मेरे यहाँ मैंने जूते ले लेता हूँ, उसके बाद ऊपर मंदिर पे चलता हूँ। चलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ रूम पे अपना बैग लेने, और ऊपर जाऊँगा पहाड़ी चोटी पे मनसा देवी घूमने, और वहाँ से नीचे आऊँगा लिफ्ट में, फिर नहा के स्नान करके दिल्ली के लिए रवाना होगा। यार ये दोस्त, ये रूम छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, इतना बढ़िया रूम है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मुझे आज जाना पड़ेगा दिल्ली, मजबूरी है अपनी भी। और हम सफर सफर में रहते रहते घूम लेते हैं सफर में, और चलो ऊपर ले चलता हूँ आपको पहाड़ी में मनसा देवी। अपना बैग लेकर मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में घूमना भी जरूरी है, काम के साथ अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छी बनी रहे। तो चलो आप लोगों को मैं ऊपर मनसा देवी दिखाता हूँ, चलो। दोस्तों मैं बाहर तो आ चुका हूँ, अब मनसा देवी जा रहा हूँ, अब मनसा देवी का गेट दिखा दूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये है मनसा देवी, जो भगवान शिव और पार्वती माता की पुत्री थी, उसकी मंदिर है ऊपर, बहुत ऊपर, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो चलो मेन गेट यहाँ से है, यहीं से जाना पड़ेगा मुझे ऊपर, देखते हैं। ओहो, आखिरकार मैं मनसा देवी जा रहा हूँ, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री का मंदिर है, वहीं जा रहा हूँ मैं। और बहुत ऊपर यार, मैं गलत जगह से आ गया, क्योंकि मैं उस वाले पहाड़ से आना चाह रहा मुझे, लेकिन मैं यहाँ से आया, और बहुत ऊपर है मंदिर इस पहाड़ पे, ये देखो। ओहो, बहुत ऊपर जाना मुझे अभी, तो कोई नहीं, वहाँ जाना, वहाँ से आऊँगा मैं लिफ्ट में नीचे के लिए। से देख पा रहा हूँ लिफ्ट के सारे जा रहे हैं लोग नीचे, क्योंकि टिकट बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए भीड़ है, ज़्यादा टिकट मिल नहीं पा रही। देखता हूँ मैं ऊपर से नीचे इसी में आऊँगा लिफ्ट में, तो टिकट मिल पाती नहीं मिल पाती मुझे, तो अभी तो ऊपर जा रहा हूँ दर्शन करने। तो हाँ, ज़्यादा लोग पैदल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग। चलो फिर व्यू देखिए कितना शानदार लग रहा नदी का, ये देखो, ये हर की पौड़ी, यहाँ यहाँ से मैंने यहाँ भी बनाया, आपने देख ही लिया होगा वीडियो। अभी मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ ऊपर, मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री का टेंपल है ऊपर, और ये पैदल जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ओह, ये दोस्तों हालत ख़राब हो चुकी है यार, इतने ऊपर चढ़ाई चढ़ के, और मैं पहुंचने वाला हूँ मनसा देवी। ये देखो यहाँ ऊपर ही है, बस पहुंचने वाला हूँ। हाँ, पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं मंदिर में देख पा रहा हूँ कितनी भीड़ है यार, उसमें देख पा रहा हूँ। ये है माता वैष्णो माता देवी का मंदिर, यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा।
देवी। अब यहाँ से जाऊँगा मैं अंदर माता के दर्शन करने। जय माता जी। यहाँ पे बहुत सारी चुनियाँ लगा रखी हैं। जय माता की जय। स्नान करके हल्की पौड़ी स्नान करके फिर दिल्ली के लिए रवाना होगा। अब लिफ्ट से दिखा दूँ मैं ज़रा व्यू शानदार आप लोगों को। तो चलो यहाँ तो रेस्टोरेंट बना रखा है एक साइड में लिफ्ट से पहले जाने के लिए। हाँ चलो उधर से जाना। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ जाना है? यहाँ से। यहाँ से दोस्तों अब लिफ्ट में जाऊँगा नीचे के लिए। अब दिखाता हूँ मैं लिफ्ट में कितना अच्छा नज़ारा दिखेगा लिफ्ट से। तो चलो 101 रुपये का वो है टिकट है। तो ये ओए क्या कर रहे हो तुम? ये देखो लंगूर सो रहे हो क्या? ये क्या मैं सो रहा ये वाला ओए देख इधर। देखो लंगूर सी। हाँ देखो सही बात बच्चा गया ये वाला। ये जाली के बाहर नहीं तो मैं इसमें हाथ में लगा सकता था क्योंकि इनके हाथ बहुत भयंकर हैं। इनके पेड़ देखो कैसे होते हैं काले काले। ये देखो नकुंजी सेम इंसान की तरह होते हैं। बाय 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 बाय। दोस्तों अभी मैं इसमें बैठूंगा इसमें ये देखो नीचे जाऊंगा हरिद्वार उसके बाद स्नान करके दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा। और ये देखो कितना लाजवाब व्यू है। थोड़ी देर में मेरी बारी आने वाली। अभी लाइन लगी है बहुत लंबी लंबी वहाँ तक लाइन लगी है वहाँ तक। तो मुझे टाइम लग जाएगा यहाँ पे आधा घंटा पूरा लग जाएगा जहाँ तक ख्याल है मेरा। दोस्तों मेरा नंबर आने वाला है लिफ्ट के लिए से मंसा देवी से हरिद्वार के लिए हरिकोटी के लिए मैं लिफ्ट में जाऊँगा और नंबर आने वाला है। मज़ा आएगा जाने में। चलो वो दोस्तों बैठ ही चुका हूँ इसमें और आप दिखा रहा हूँ आप लोगों को शानदार नज़ारा यहाँ से। और यहाँ से देखें नज़ारा कितना शानदार लगता है इधर से। ओहो दोस्तों इसे बैठ के चक्कर भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएंगे। और ये देख ही पा रहा हूँ मैं ऊपर से आया हूँ नीचे के लिए ऊपर मनसा देवी से। और ये देखो और नीचे जा रहा हूँ हरिद्वार। अरे देखो चारों तरफ का पहाड़ कितना लाजवाब लगता है एकदम जहर वाला व्यू।
दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और थोड़ा स्नान करूँगा। वो अभी बहुत ऊपर गया था मैं, वहाँ दिखा दूँ आप लोगों को, वहाँ वो देख पा रहा हूँ वहाँ। अब थोड़ा स्नान करके फिर चलता हूँ मैं नहा के। तो चलो दोस्तों, स्नान तो कर चुका हूँ मैं, अब निकलता हूँ दिल्ली के लिए। और आज मैंने आप लोगों को हर की पौड़ी का व्यू दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। ऊपर मनसा देवी दिखाई, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चलो दिल्ली चलते हैं अब। तो दोस्तों मैं थोड़ा गंगा जल भी भर दिया, ये रहा मेरी बस दोस्तों। अब वापस चलता हूँ दिल्ली की साइड, आ चुका हूँ मैं, ये रही हरियाणा गुड़गांव परिवहन, इसमें चलता हूँ मैं, चलो। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं दिल्ली, मोहन नगर पहुँच चुका हूँ, यहाँ से जाऊँगा कश्मीर गेट और वहाँ से जाऊँगा हौज खास, हौज खास से मुनीर का। तो अभी मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, मेट्रो आई नहीं रही। आगे मेट्रो मेरी। दोस्तों अपने मंजिल पे तो पहुंच चुका हूं मैं, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।